जो जगह है बट थोड़ी सी दूर, तो देखो मैं बोलना चाहूंगा, मैंने समझाया था याद है ना, सब लाओ मैं देखता हूँ। ओके लगाओ, ठीक है दोस्तों। हाँ यार चल चलते हैं। सो यो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना एक टेक्निकल पॉइंट। और भाई है आज संडे और तुम्हारा भाई हो चुका है फुल टू रेडी, ठीक है। और आज के इस दिन में मैं आप सभी को बताऊंगा, घर में जो गाड़ी चलानी आती है वो मुझे ही आती है, और आज मैं आज संडे का दिन है तो आज मैं अपने डैड को बेसिकली थोड़ा तो पता है कार किस तरीके से चलाई जाती है, मतलब पूरा भी नहीं पता बट थोड़ा बहुत पता है, बिल्कुल भी ऐसे अनाड़ी टाइप के नहीं है। और आज मैं उनको कार चलाना सिखाने वाला हूँ कि कार किस तरीके से चलाई जाती है, मतलब उनका एक कच्चे रास्ते भी, यहीं पर हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर बिल्कुल खाली रास्ता है। आज मैं उनको जो वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ और वहाँ पर दिखाऊंगा कि भैया मेरे डैड किस तरीके से कार चलाते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस टाइप की और वीडियो चाहिए होंगी, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा आज की वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। मेरे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स कह रहे थे भैया सेकंड ब्लॉग लेके आओ, सेकंड ब्लॉग लेके आओ, तो इसलिए आप सभी के लिए आपका भाई सेकंड ब्लॉग जो लेकर आया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्या आपको जो है बहुत पसंद आने वाला है। और मैं भाग भाग के नीचे से ऊपर आया हूँ तो मेरी जो है सांस फूल रही है, तो चलिए हम जो फटाफट है रेडी हो जाते हैं, देन मिलते हैं। हे गाइस, अब आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं भैया, ये हमारे घर के पीछे जो है एक बहुत ही, मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं है ये जो जगह है, बट थोड़ी सी दूर, तो देखो मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा, हमारे घर से करीबन 2 या 4 या 5 किलोमीटर ये जो जगह है दूर है, ठीक है। और वो देखो मेरे पापा हो रहे हैं और ये मेरी गाड़ी, और आज मैं बस इसी पे इनको सिखाने वाला हूँ कि मतलब कि इस रोड पर देखो मैं आपको दूर दूर दिखाऊँ, ज़्यादातर गांव वाले वगैरह आते हैं वरना खाली रोड पड़ा रहता है, और इस वाले रोड पे आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं भैया क्या होता है और आज चलाते हैं, तो चलिए चलते हैं। पापा आ जाओ, चलो चलो। तो दोस्तों अल्लाह का नाम लेके बैठ जाओ भैया, बहुत आराम से, जैसे माय डैड भैया बैठ चुके हैं। ओके तो जैसे मैंने समझाया था याद है ना, सबसे पहले क्या हटाते हैं, पहले बताओ सबसे पहले क्या करते हैं, सीट एडजस्ट, सबसे पहले सीट एडजस्ट कर लो, कर रहे हैं दोस्तों। ओके उसके बाद अपने हैंड ब्रेक चेक करो, हैंड ब्रेक लगे हों गाड़ी के। हाँ अब बिल्कुल आराम आराम से हमारी गाड़ी जो है, सॉरी गाइस उनको मैं दोबारा करता हूँ। सो हे गाइस, अब आप से भी देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मेरे पापा बैठे हुए हैं और हैंड ब्रेक भैया मैंने पकड़ रखे हैं, तो आराम आराम से चलो, बहुत आराम आराम से, गड्ढे बचा के इसको मैं देखता हूँ। ओके ओके तो मेरा फ़ोन भैया गिर गया था, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ सामने का व्यू दिखाता हूँ, रेस नहीं बननी चाहिए गाड़ी की बिल्कुल भी, सेकंड गियर लगाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। सो हे भाई लोग, आप सभी भी यहाँ पर देख पा रहे हैं भैया कैसा यहाँ मामला है, मैंने हैंड ब्रेक पे हाथ रख रखा है, ये गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा इधर नहीं मुड़नी चाहिए गाड़ी, बिल्कुल आराम से स्टेबल रखो। ओके तो दोस्तों हम यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब कि जैसे भाई लोग आप देख पा रहे हो, मतलब इधर ट्यूबवेल वगैरह आपको सब कुछ जो है देखने के लिए मिल जाएगी, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके और चलाते हुए बहुत आराम से चलानी है, सेकेंड गियर लगा रखा है ना, चलो चलते जाओ। ओके अगर दोस्तों आप लर्निंग में हैं और आपको अगर आपके पीछे कोई आ जाता है, मतलब कि और आपको ये नहीं पता चले जैसे बाइक वाला है अभी रोड पर जगह नहीं है, हल्की रखो गाड़ी, हल्की आराम से गड्ढों में, तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये चला दीजिए इसको, इससे जो हमारे चारों इंडिकेटर जो है आप सभी देख पा रहे हैं ब्लिंक करने लग जाते हैं, तो हाँ तो उस बंदे को पता चल जाएगा भाई बंदा अभी लर्निंग में है। थर्ड गियर लगाओ और आराम से, तो सही है, ये थर्ड गियर लगाते हुए लगाओ, थर्ड गियर क्लच दबाओ, मैंने लगा दिया, चलो दोस्तों कोई बात नहीं। लर्निंग में ऐसा होता है कभी कभी बहुत बार कि बंदा जो है हॉपलेस हो जाता है बहुत जल्दी, और एज यू कैन सी गाइस आप सभी देख पा रहे हैं मैं आपका भाई जो है किधर आ रखा है, बिल्कुल इनसेन जगह यार, इनसेन, हमारे घर से बस थोड़ी सी ज़्यादा दूर है। और अगर आप सहारनपुर में रहते हो तो एक बार मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। और या देख रहे हो क्या भाई साहब, मस्त जगह है ना, बिल्कुल सही है सही है। अब ये देखो लकड़ी के गड्ढे वाला बेचारा एक लड़का खड़ा है, आराम से हॉर्न देते हुए साइड में रखो गाड़ी, हाँ गड्ढे में मत उतार देना, हाँ आराम आराम से चलो, चलते रहो चलते रहो।
तो दोस्तों आपको रोड जो है इस तरीके देखने के लिए मिल जाता है भाई लोग, और बहुत इनसेन हो रखा और पीछे का व्यू आपको इस तरीके देखने में। मैं DSLR का बैग, मैं सोच रहा था कुछ फोटो वगैरह शूट करवा लूँगा, तो चलो वो तो आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों हम आगे पहुँच के आपको जो दिखाते हैं मेरे डैड की जो जर्नी किस तरीके की रही है। फिलहाल तो अभी तक हम आगे चल रहे हैं, अभी तो सही चला रहे हैं गाड़ी। जब कोई गलती करेंगे मैं पकड़ूंगा तो कैमरे भी कैप्चर करूंगा। ओके तो रुकिए दोस्तों। तो ऑलराइट गाइस, यार मैं है ना घर पे आ गया, और जैसे कि मैंने मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पूछना चाह रहे थे कि भैया आपने घर वालों को दिखाओ, तो दोस्तों आज मैं जा रहा था कि पहले मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि पापा कार चलानी सिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पापा कुछ हमें सिखाना कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ बच्चे पापा को सिखाते हैं, ठीक है ना। अब जब से कार है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ड्राइविंग सीखी थी और शुरू से मैं ही चलाता आ रहा हूँ गाड़ी जहाँ पर भी हम जाते हैं, तो पापा को सिखानी थी। पहले पापा ड्राइविंग स्कूल जाते थे सीखने, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ जाते हैं। तो मैंने कहा यार एक व्लॉग बना दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कुछ ज़्यादातर नहीं दिखाया, बस थोड़ी मोटी क्लिप्स दिखाई हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आएंगी मेरे कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आती है और इस टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हो, आज संडे था इसलिए मैंने सोचा आज इस टाइप की जो वीडियोस डालता हूँ कोई मेरे डैड आ गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर जाए तो बिना सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोजाना वीलॉग्स, गेमिंग, टेक, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स और ये पता नहीं किस किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ओके तो मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा यार दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका संडे जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके दोस्तों, तो मिलता हूँ हम सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।